दोस्तों जब समुद्री जीवों की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले व्हेल और शार्क जैसी कुखार मछलियों का ख्याल आता है जो लोगों की जान ले सकते हैं। लेकिन जब खूबसूरती की बात आती है तो समुद्र में ऐसे कई जीव हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर खींचने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत समुद्री जीवों से आपको मिलवाऊंगा जो समुद्री दुनिया के किसी अजूबे से कम नहीं है। तो आइए आपको मिलवाते हैं उन खूबसूरत समुद्री जीवों से जिन्हें देखते ही आपका भी मन उन्हें पकड़ने का करेगा। नंबर 10, पीकॉक मेंटिस श्रिंप। समुद्र में पाए जाने वाली मेंटिस की ये प्रजातियाँ बेहद खूबसूरत होती हैं। बात करें इनकी सुंदरता की तो इनके बॉडी का कलर चमकीला होता है जो नीला, नारंगी, हरा और लाल ऐसे कई रंग का होता है। लेकिन इसकी खूबसूरती यहीं तक सीमित नहीं है। इन्हें देखते ही आपका ध्यान सबसे पहले इसकी आंखों पर जाएगा जो काफी बड़ी होती है, या यूं कह ले कि इनकी ये आंखें इनकी खूबसूरती का खजाना भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पीकॉक मेंटिस श्रिंप की आंखें 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होती हैं। इनकी आंखों के ऊपर और नीचे के हिस्से ये बताते हैं कि सामने वाला शिकार कितना घूम रहा है। वही आंख का मध्यम भाग ये बताता है कि शिकार का रंग क्या है, और इसकी एक आंख दूसरी आंखों से अलग दिशा में भी घूम सकती है। तो दोस्तों अब आप ही बताइए कि समुद्री प्राणियों को समुद्री अजूबे नहीं कहा जाए तो और क्या कहें। नंबर 9, मैंड्रिन फिश। समुद्र में पाए जाने वाले खूबसूरत जीवों की बात हो और मैंड्रिन मछली का नाम ना आए ये तो नामुमकिन है, क्योंकि नीली और लाल मछली जितनी खूबसूरत है उतनी ही चमकदार भी है। और इन मछलियों की खूबसूरती को देखकर हर कोई इन्हें पकड़ने या छूना चाहता है। लेकिन ये खूबसूरत मछली जहरीली भी होती है। बात करें इनकी आकार की तो ये खूबसूरत मछलियाँ केवल 3 इंच तक बढ़ सकती हैं, जिसमें नर मादाओं की तुलना में बड़े होते हैं। लेकिन वाकई ये मछली इतनी खूबसूरत होती है कि हर कोई चाहता है कि ये खूबसूरत मछलियाँ उसके आसपास रहें। लेकिन समस्या ये है कि मैंड्रिन मछलियाँ केवल कोपेपोड खाती हैं, जो कि प्लवक है, और वो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होती, इसलिए इनका रख रखाव करना आसान नहीं होता। लेकिन सचमुच मैंड्रिन मछली अपने आप में एक चलता फिरता इंद्रधनुष है। नंबर 8, ट्यूब एनमोम। दोस्तों ट्यूब एनमोम को देखकर आपको लग सकता है कि ये कोई खूबसूरत फूल है जो समुद्र में पाया जाता है। लेकिन ये कोई फूल नहीं बल्कि एक जीव है जो रेत में छिपा रहता है, और उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा रेत से बाहर रहता है जो रंग बिरंगी और खूबसूरत घास की तरह दिखती है। लेकिन ये घास नहीं बल्कि तंबू है जो जहरीला भी होता है, और इस टेंटिकल का उपयोग ट्यूब एनमोम द्वारा अपने शिकार को फंसाने और मारने के लिए किया जाता है। और ऐसा करते समय इन समुद्री एनमोम की सुंदरता देखते ही बनती है। अब बात की जाए इनकी आकार की तो ये सबसे प्यारे समुद्री जीव 20 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, और उनका शरीर बेलनाकार आकार का होता है जो उनकी सुंदरता को बढ़ाता है। नंबर 7, डीप स्टारिया जेलीफिश। दोस्तों इस पूरी दुनिया में ऐसे कुछ ही जीव होंगे जो अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ लेते हैं, और उन्हीं में से एक है डीप स्टारिया जेलीफिश, जो अपने शरीर को किसी भी तरह से मोड़ सकती है, और खूबसूरती के मामले में भी ये किसी समुद्री जीव से पीछे नहीं है। वैसे इस जेलीफिश की खूबसूरती देखने के लिए आपको समुद्र की गहराई में करीब 3000 फीट नीचे जाना होगा। बात की जाए इस खूबसूरत समुद्री जीव की सुंदरता की तो ये खूबसूरत जेलीफिश प्लास्टिक बैग की तरह दिखती है, जिसकी त्वचा जाल जैसी होती है। वैसे अगर इस मछलियों की भोजन की बात करें तो ये केकड़े और छोटी मछलियाँ खाती हैं, और इसकी लंबाई 61 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि जब ये मछली तैर रही होती है तो इसकी खूबसूरती वाकई देखते ही बनती है। नंबर 6, क्रिसमस ट्री वर्म। दोस्तों क्या आपने कभी कोई ऐसा समुद्री जीव देखा है जो क्रिसमस ट्री जितना खूबसूरत और रंगीन दिखता है? दरअसल उस कटिबंधित महासागर में करीब 100 फीट नीचे एक ऐसा जीव पाया जाता है जो सिर्फ 5 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन अगर आपने इस जीव को एक बार देख लिया तो आप इसे बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इनकी खूबसूरती ही वैसे ही होती है। और ये लाल, नारंगी, पीले और गुलाबी ऐसे कई रंगों में पाए जाते हैं, और ये छोटे जीव अपना पूरा जीवन यानी लगभग 40 साल तक एक ही जगह बिताते हैं। वैसे तो क्रिसमस ट्री वर्म ज्यादातर एक ही साथ रहते हैं, और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो पानी के अंदर कोई खूबसूरत फलों का बगीचा बना हुआ है। नंबर 5, लायन फिश।
दोस्तों लायन फिश जितनी जहरीली होती है उतनी ही खूबसूरत भी, और ये मछलियाँ सिर्फ इंडो पैसिफिक जल में देखने को मिलती हैं। पिछले कुछ सालों में ये मछली काफी आक्रामक हो गई है, लेकिन इसके बाद भी लोग सबसे खूबसूरत समुद्री जीवों की वजह से इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। बात करें इसके जीवन काल की तो लाल और भूरे रंग की ये मछली 10 साल तक जीवित रह सकती है और ये लगभग 19 इंच तक बड़ी होती है। खूबसूरत मछलियों की ये प्रजाति ज्यादातर अकेली रहती हैं और केवल संभोग के समय ही एक साथ दिखाई देती हैं, और संभोग के मौसम के बाद एक खूबसूरत मादा मछली 30,000 अंडे दे सकती है, जिसके बाद इस खूबसूरत मछली के और छोटे सुंदर बच्चे पैदा होते हैं। नंबर 4, फ्लेमिंगो टंग स्नेल। कैरेबियन और अटलांटिक महासागर में पाए जाने वाले फ्लेमिंगो टंग स्नेल के शरीर पर पीले और भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, जो चमकीले भी होते हैं, जिसके कारण ये काफी सुंदर दिखते हैं और ये अधिकतर समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। अगर भोजन की बात करें तो फ्लेमिंगो टंग स्नेल खाने में मूंगा खाकर अपना पेट भरते हैं, और ये आकार में एक घोंगे 2 से 3 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और लगभग 2 साल तक जीवित रह सकते हैं। वैसे प्यारे समुद्री जीव बहुत धीमी गति से तैरते हैं, लेकिन ये जितने धीमी गति से तैरते हैं ये उतना ही खूबसूरत दिखते हैं। नंबर 3, लीफ सी ड्रैगन। ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाए जाने वाले पत्तेदार समुद्री ड्रैगन खुद को पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल ढालने के लिए जाने जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि गिरगिट की तरह एक खूबसूरत जीव भी पर्यावरण के अनुसार अपना रूप बदल सकता है। इसी वजह से ये शिकारी जानवरों से बचे रहते हैं, और इसकी इसी खूबी के कारण आज भी हम इस खूबसूरत समुद्री जीव को ऑस्ट्रेलिया सागर में देख सकते हैं। बात करें इनकी शारीरिक स्वरूप की तो ये पीले और भूरे रंग के होते हैं और लंबाई में ये 1 फुट तक बढ़ सकते हैं, और इस पत्तेदार सी ड्रैगन की पीठ पर बहुत सारी पत्तियां होती हैं, और यही खूबी इन प्राणियों को दूसरे से अलग बनाती है। दक्षिण और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये जीव 7 साल तक जीवित रह सकते हैं, और ये ड्रैगन खुद को छुपाने में इतने माहिर होते हैं कि इन्हें अन्य प्राणियों के बीच ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 2, सी स्पाइडर। दोस्तों सी स्पाइडर को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि ये काफी खूबसूरत होते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में समुद्र में मकड़ी की 1300 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ के 4 पैर होते हैं और कुछ के 3 पैर होते हैं। लेकिन इस खूबसूरत स्पाइडर की सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि सी स्पाइडर अपने पैरों से सांस लेते हैं, और इसके पैरों का ऊपरी भाग उनका पेट होता है, जो बहुत ही छोटा होता है, और ये अपने इस छोटे से पेट को भरने के लिए मकड़ियां, जेलीफिश और कीड़े जैसे छोटे जीव को खाते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं से लेकर इंसानों तक इस खूबसूरत स्पाइडर को जो भी देखता है वो उसकी ओर खींचा चला जाता है, क्योंकि वो करे तो क्या करे जो ये इतने खूबसूरत जो होते हैं। नंबर 1, सी हॉर्स। समुद्र में पाए जाने वाले इस जीव का मुंह घोड़े जैसा दिखता है, और इसलिए इसका नाम सी हॉर्स रखा गया है। वैसे तो ये अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती दूसरे जानवरों से अलग होती है, क्योंकि जहां बाकी जानवरों के पीठ पर सल्क होते हैं वही उनकी पीठ पर छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, और यही चीज उन्हें अन्य जीवों से अलग और खूबसूरत भी बनाती है। अगर खाने की बात करें तो ये मुख्य रूप से प्लैंकटन और झींगा खाते हैं, और इस समुद्री घोड़े का आकार 0.5 इंच से लेकर 1.1 फीट तक हो सकता है। साथ ही इस पूरी दुनिया में इन खूबसूरत प्राणियों की लगभग 45 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत समुद्री जीव। आपको सबसे ज्यादा सुंदर कौन लगा उसका नाम कमेंट करके बताइए, और अगर आप अजीबोगरीब सांप के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है।